लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम सामने आ चुका है और करीब सभी सीटों पर समीकरण साफ हो गया है। बात करें जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की तो यहां से भाजपा के राव राजेंद्र सिंह ने कड़े मुकाबले में जीत हासिल की है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय मतदाताओं के प्यार को दिया है। जयपुर ग्रामीण से भाजपा के उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह जो है विजय हासिल किए लोकसभा चुनाव में। लंबा इंतजार करना पड़ा परिणाम के लिए। अब सब बड़ा लंबा इंतजार कहा जा रहा कि 12:30 तक परिणाम आ जाएगा, लेकिन काफी इंतजार करना पड़ा और आपत्ति भी दर्ज हुई प्रत्याशी की तरफ से, लेकिन आखिर जीत हासिल। अब इंतजार तो घंटे दो घंटे और करना पड़ा, लेकिन जो उनका खुद का जो भी अधिकार था एक प्रत्याशी का होता, उन्होंने उसके अनुरूप अपने अधिकारों का प्रयोग किया और जो चुनाव आयोग के वहाँ अधिकारी हैं, चाहे उनको आप रिटर्निंग ऑफिसर कह दिए, जो भी इलेक्शन ऑफिसर कर दिए, उन्होंने उन ऐतराजों पर मनन किया और जो भी उनको उचित लगा संवैधानिक व्यवस्थाओं और नियमों के आधार पर उन्होंने अपना निर्णय दिया। निर्णय लेने के बाद में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे निर्वाचित हुआ। जिस तरीके की मतगणना शुरू हुई राउंड वाइज अप एंड डाउन चलता रहा था, उस टाइम आपकी धड़कनें किस तरीके से थी और क्या उम्मीद थी आप? मेरी धड़कनें बिल्कुल, मेरा जब 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 मेरे पास ऐसा परिस्थिति आती तो मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इतने हमारे साथ में जयपुर ग्रामीण के विजयी प्रत्याशी सांसद भाजपा के राव राजेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि यहां पर जो है उन्होंने विजयी हासिल की है जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से। राव राजेंद्र सिंह यहां पर विजयी हासिल की है। कैमरा पर्सन राम निवास के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV न्यूज जयपुर।